नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको आयसावन जून के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय। छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दबे। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969। देश भारत। भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है, तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारेख, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन पागल के रूप में माया के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त,
थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी, रिकू, रमेश भाटिया माधो के रूप में, नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत, गाना नंबर एक माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर छः राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। आठ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक पटकथा शर्शर सैलानी कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश अभिनीत धर्मेंद्र आशा पारेख नज़ीर हुसैन निरूपा राय छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रिलीज की तारीख 1969 देश भारत भाषा हिंदी कहानी की समीक्षा नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है जिससे वह तुरंत मर जाता है।
अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरुपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता, के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह गीत संगीत, गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित
सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारे, नज़ीर हुसैन, निरूपा रॉय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, रिलीज की तारीख 1969, देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा रॉय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है, तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में, सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में, जलाल आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन पागल के रूप में माया के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह गीत संगीत। गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो,
आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। आर्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक पटकथा शर्शर सैलानी कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश अभिनीत धर्मेंद्र आशा पारेख नज़ीर हुसैन निरूपा राय छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दबे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969 देश भारत भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारेख, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज,
लक्ष्मी छाया रीता के रूप में, सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में, जलाल आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद नीना, मैक मोहन पागल के रूप में माया के नियुक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह गीत संगीत, गाना नंबर एक माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर छः राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। आर्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969, देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा।
जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विडम्बनापूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे, जयशंकर, जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता, के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी, मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत, गाना नंबर एक माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर छः राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित
1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक। पटकथा शर्शर सैलानी। कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश। अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय। छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969। देश भारत। भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुहाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है, तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारेख, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में, सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में, जलाल आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन पागल के रूप में माया के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत, गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए। इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के। इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना।
इस गाने के गायकार लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने, माजी चल ओ माजी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969, देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के
आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में, सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में, जलाल आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन पागल के रूप में माया के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह गीत संगीत, गाना नंबर एक माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर छः राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। आठ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। रिलीज की तारीख 1969, देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है।
पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुहाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है, तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारेख, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरुपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता, के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे।
इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969, देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुहाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना। आरती के रूप में आशा पारेख, जयशंकर, जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता, के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज,
संगीता बाई सिंह, गीत संगीत, गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए। इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के। इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना। इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969। देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है
कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरुपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता, के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय।
छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969। देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा रॉय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिसे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है, तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे, जयशंकर, जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में, सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में, जलाल आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन पागल के रूप में, माया के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह गीत संगीत। गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं
उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन जून के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूमके, आया सावन झूमके अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय। छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दबे। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969। देश भारत। भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है, तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारेख, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक,
श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत गाना नंबर एक माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर छः राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। आठ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय। छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969। देश भारत। भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है
और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारेख, जयशंकर, जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरुपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन पागल के रूप में माया के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह गीत संगीत, गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय,
बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। आर्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक पटकथा शरशर सैलानी कहानी संवाद द्वारा निर्मित जी ओम प्रकाश अभिनीत धर्मेंद्र आशा पारेख नज़ीर हुसैन निरूपा राय छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दबे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रिलीज की तारीख 1969 देश भारत भाषा हिंदी कहानी की समीक्षा नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटी को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र राजेश के रूप में रविंद्र कपूर लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन राजेंद्र नाथ साधु रामसूद के रूप में माया के रूप में निरूपा राय डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर आरती के पिता के रूप में शिवराज लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता के रूप में बिंदु अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल आगा के रूप में दीपक श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी मधु आप्टे लोरिक के रूप में केशव राणा नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज पप्पू के रूप में मास्टर साहिद नीना मैक मोहन पागल के रूप में माया के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त थिएटर में सेठ करतार सिंह सिख आदमी रिकू रमेश भाटिया माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी कुमारी नाज संगीता बाई सिंह गीत संगीत गाना नंबर एक माझी चल ओ माझी चल इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ये शमा तो जली रोशनी के लिए इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार आया सावन झूम के इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच साथिया नहीं जाना इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर छः राम दुहाई इस गाने को लता मंगेशकर ने
अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने, माजी चल ओ माजी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक पटकथा, शर्शर सैलानी कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय। छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दबे। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969। देश भारत। भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना।
आरती के रूप में आशा पारे, जय शंकर, जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरुपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में, सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी, मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969, देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है।
तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुभाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारेख, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरुपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता, के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत, गाना नंबर एक माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दो बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर चार आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर छः राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर सात मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है
तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के, आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969, देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुहाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी गवाह बनता है, तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे, जयशंकर, जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरूपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में सीता, के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में जलाल, आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत, गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए। इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के। इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना। इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई। इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना। इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माजी चल ओ माजी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको आया सावन झूम के मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। आया सावन झूम के। आया सावन झूम के अनुवाद मानसून नृत्य आया रघुनाथ झालानी द्वारा निर्देशित 1969 की फिल्म है। यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, बिंदु, अरुणा ईरानी और राजेंद्र नाथ हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। गीत सार्थक भी थे और मधुर भी। 8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट में। निर्देशक रघुनाथ झालानी द्वारा लिखित सचिन भौमिक, पटकथा शर्शर सैलानी, कहानी संवाद द्वारा निर्मित जे ओम प्रकाश, अभिनीत धर्मेंद्र, आशा पारेख, नज़ीर हुसैन, निरूपा राय, छायांकन बी बाबा साहेब द्वारा संपादित प्रताप दवे, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रिलीज की तारीख 1969। देश भारत, भाषा हिंदी। कहानी की समीक्षा। नौकरानी माया निरूपा राय गलती से अपने मालिक को मार देती है, जबकि उसके साथ छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों का विरोध करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा शिकार की गई माया ने अपने बेटे को एक मंदिर के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की खोज मंदिर के पुजारी द्वारा की जाती है, जो बच्चे को घर ले जाने और उसे लाने का फैसला करता है। तभी एक अमीर आदमी नासिर हुसैन और उसकी पत्नी मंदिर में आते हैं और भगवान से उन्हें एक बच्चा देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी बात सुनकर मंदिर के पुजारी ने परित्यक्त बच्चे को उन्हें सौंप दिया और उन्हें अपने बच्चे के रूप में लाने के लिए कहा। दंपति ने बच्चे का नाम जयशंकर रखा। जयशंकर बड़े होने पर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लगते हैं। एक दिन जयशंकर से मुलाकात उसकी होती है और आरती आस्था पारेख से प्यार हो जाता है और उसे सफलतापूर्वक लुहाने के बाद वह अपने पिता के साथ उनकी शादी पर चर्चा करने के लिए मिलने के लिए सहमत हो जाता है। उसके घर के रास्ते में वह विनम्रपूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर दौड़ता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अपराध बोध से ग्रस्त वह आरती उसके भाई पप्पू और बहन माला की देखरेख करने के लिए संशोधन करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तथ्य को छुपाता है कि वह उनके पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। जब आरती को न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि कैबरे डांसर रीता के साथ अंतरंग होने का भी,
गवाह बनता है तो हालात और ख़राब हो जाते हैं। फिर जयशंकर को उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। जब परिवार को पता चला कि उसने रीता से एक बेटे को जन्म दिया था और फिर बाद में पुलिस ने रीता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह पता चला है कि वह अपनी बहन के पति राजेश को बचा रहा है और रीता द्वारा पैसे के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। फेंकना आरती के रूप में आशा पारे, जयशंकर जय के रूप में धर्मेंद्र, राजेश के रूप में रविंद्र कपूर, लाला जुगल किशोर के रूप में नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, साधु रामसूद के रूप में माया, के रूप में निरुपा राय, डॉक्टर युधवीर सिंह के रूप में सुंदर, आरती के पिता के रूप में शिवराज, लक्ष्मी छाया रीता के रूप में, सीता के रूप में बिंदु, अरुणा ईरानी मलाई के रूप में, जलाल आगा के रूप में दीपक, श्रीमती जुगल किशोर के रूप में दुलारी, मधु आप्टे, लोरिक के रूप में केशव राणा, नर्मदा शंकर मंदिर में साधु के रूप में राजन कपूर, दीपक के पिता के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज, पप्पू के रूप में मास्टर साहिद, नीना मैक मोहन, पागल के रूप में माया, के नियोक्ता के रूप में उमा दत्त, थिएटर में सेठ करतार सिंह, सिख आदमी रिकू, रमेश भाटिया, माधो के रूप में नज़ीर कश्मीरी, कुमारी नाज, संगीता बाई सिंह, गीत संगीत गाना नंबर 1 माझी चल ओ माझी चल, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 2 बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस गाने के गायकार मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 4 आया सावन झूम के, इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 साथिया नहीं जाना, इस गाने के गायकार लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी हैं। गाना नंबर 6 राम दुहाई, इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 7 मैं एक हसीना, इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज़ में गाया है। आया सावन झूम के मूवी के कुछ गाने माझी चल ओ माझी चल, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो, आया सावन झूम के ये गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।